बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश एसे का एक वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है आउटलाइन का। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक आउटलाइन होती क्या है। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में उसको डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं, दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स। और अगर हम इसको सादा लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटलाइन है वो आपके एसे का एक स्केच है, एक खाका है जिसकी बुनियाद पे आगे आप पूरे एसे लिखने जा रहे हो। ठीक है, अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है वो ये है कि आउटलाइन का मकसद क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन आउटलाइन? तो आउटलाइन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप वेल ऑर्गेनाइज्ड रहें, ताकि आप क्लियरली फोकस्ड रहें, और आपको जब आप ऐसे लिख रहे हो कोई भी पॉइंट भूले ना। बाज़ुकात ये होता है, पहले कुछ पॉइंट्स आपके जहन में होते हैं, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो उसके बाद उनको आप एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं आउटलाइन का, या उसको जब उसको फाइनल कर लेते हैं आउटलाइंस का, उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, ऑर्डर आप उनका सेट कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप पहले लेके आते हैं, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आप जाते हैं। तो आपने उसको एक आउटलाइन की फॉर्मेशन कर ली है तो अब आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आप कोई पॉइंट भूलेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जब आपने टॉपिक को कॉम्प्रीहेंड कर लिया, आपको पता चल गया इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स पूछे गए हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसके हिसाब से अगर आपने मेन पॉइंट्स जो थे वो आपने गैदर कर लिए तो अब उसको आपने ऑर्गेनाइज भी कर लिया, तो अब जितने भी पॉइंट्स थे वो आपने एक आउटलाइन की सूरत में आपने लिख लिए। ठीक है, तो अब जो पॉइंट को मिस करने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इसलिए आउटलाइन लिखी जाती है। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू भी देखें, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसके लिए भी आउटलाइन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब पहले ही आपकी आउटलाइन एग्जामिनर पढ़ता है तो उसको वही थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या स्टूडेंट्स ने टॉपिक को कॉम्प्रीहेंड ठीक तरीके से किया, क्या उसके जो एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड थे एसे के अंदर क्या वो आउटलाइन में आ गए, क्या मेन पॉइंट्स जो सपोर्ट करें इस टॉपिक को क्या वो इसके अंदर है, क्या जो स्टूडेंट है उसकी टॉपिक के ऊपर ग्रिप है, उसका रिसर्च वर्क पूरा है। ठीक है, क्या स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड है, क्या वो क्लियर है मेंटली, ठीक है टॉपिक के हिसाब से क्लियर है, क्लैरिटी क्या है उसकी राइटिंग के अंदर, उसकी राइटिंग में कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आउटलाइन से एग्जामिनर को समझ में आ जाती हैं, उसको आइडिया हो जाता है कि ये स्टूडेंट जो है इसका क्या कैलिबर है, इसका लेवल क्या है। ठीक है, तो इसलिए आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसकी जो आपकी जो एसे है उसके अंदर अलग से वेटेज भी है। ठीक है, तो आउटलाइन पे आपको फोकस करना पड़ता है। ठीक है, अब देखें, हमने डिस्कस कर लिया कि आउटलाइन होती क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, अब हम डिस्कस करते हैं कि आउटलाइन लिखी कैसे जाती है। ठीक है, आउटलाइन आपकी जो इंट्रोडक्शन का मेन पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होती है और कंक्लूजन तक ख़त्म होती है। ठीक है, उसके अंदर आपके मेन पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड हैं आपके एसे के अंदर वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में आते जाएंगे। ठीक है ना, उनको एक ऑर्डर आप मेंटेन रखें और उस हिसाब से आप उनको लिखते जाएंगे और आप कंक्लूजन तक उसको लिख लेंगे अपनी आउटलाइन को। ठीक है, देखिए, सबसे पहले उसका जो आपका होगा मेन पॉइंट वो होगा इंट्रोडक्शन का। ठीक है ना, मेन आइडिया आपका वो होगा, वो इंट्रोडक्शन का होगा जो मेन बुलेट है। उसके बाद आप
जो रिक्वायर्ड है उसमें मेन पॉइंट्स एसे के अंदर, फर्स्ट मेन पॉइंट, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, उस हिसाब से आगे आप पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। जब आपने सारे पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड थे, जो आपको लगता था कि ये इनफ है, ये एसे, ये जो टॉपिक पूछा गया है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, तब आप कंक्लूजन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी आउटलाइन के अंदर होंगे। फर्दर हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि एक आउटलाइन, जब टॉपिक आपको दिया जाता है तो उसकी आउटलाइन आप कैसे लिखेंगे, क्या चीज़ें हैं जो आप करेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे। लेकिन ये एक रफ सा, एक सिंपल सा स्केच है आपकी आउटलाइन का, कि आप सबसे पहले आउटलाइन इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी आपके मेन पॉइंट्स हैं आप वो देंगे, ठीक है ना, मेन पॉइंट्स देंगे, मेन पॉइंट्स को जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है वो भी देंगे, ठीक है, और इसी तरह आप कंक्लूजन पे उस आउटलाइन को एंड कर देंगे। अब आगे आते हैं, जब आपने आउटलाइन लिख ली है तो आउटलाइन को आप अपने तौर पे उसको एवेल्युएट भी करें, ठीक है ना। आपने सपोज आपने रफ वर्क कर लिया आउटलाइन का, ठीक है, उसके बाद आपने उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप उसको एवेल्युएट करें अपने तौर पर, किन चीज़ों को आपने सामने रखना है, ठीक है ना, इस एवेल्युएशन के प्रोसेस में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये देखना है कि आपका जो पैराग्राफ है, ठीक है ना, जो मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप पैराग्राफ बनाने जा रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो जो मेन पॉइंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। उसके बाद जो उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं क्या वो भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, क्या वो पहले आ रहे, ठीक है। इस तरह आप अपने मेन पॉइंट्स को भी और उसके उनके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। उसके बाद आप आउटलाइन को चेक करें सपोर्ट के हिसाब से। सपोर्ट के हिसाब से आप कैसे चेक करेंगे कि क्या आपका जो मेन आइडिया जो आप दे रहे हो, फर्स्ट मेन पॉइंट या फर्स्ट मेन आइडिया आपने दिया था, क्या वो टॉपिक को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उस मेन आइडिया को जो जितने भी पॉइंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या वो भी मेन टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं। जो डिटेल आप देने जा रहे हो हर पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, हर आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, क्या वो भी सपोर्ट कर रही है आपके टॉपिक को। मीन्स टू से कि जितने भी पॉइंट्स, जितने भी मेन आइडियाज आपने लिखने हैं आउटलाइन के अंदर, उनको चेक करें कि क्या वो सारे के सारे मेन पॉइंट्स, सपोर्टिंग पॉइंट्स या डिटेल्स वो आपके टॉपिक को क्वालिफाई कर रहे हैं, उससे रेलेवेंट है, ठीक है, तब आप आगे चलें। उसके बाद आप देखें उसको टॉपिक डेवलपमेंट के हिसाब से कि क्या आपकी आउटलाइन में इनफ मेन आइडियाज हैं, इनफ सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं और इनफ डिटेल क्या उसके अंदर मौजूद है। क्यों? क्योंकि आगे आपने पैराग्राफ डेवलप करना है आपने, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें, मेन आइडिया, उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स, उसके रेलेवेंट डिटेल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो आपने इन तीनों एस्पेक्ट्स में अपनी आउटलाइन को एवेल्युएट करना है कि सबसे पहले आप देखें क्या आपकी आउटलाइन ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद आप देखें कि क्या आपकी आउटलाइन के जो मेन आइडिया है, जो उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं या उसके डिटेल्स हैं, क्या वो मेन आइडिया जो मेन आपका टॉपिक है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि क्या आपने उस आउटलाइन में इनफ मेन पॉइंट्स दे दिए, अभी ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। इतने पॉइंट्स हो गए हैं कि आपका जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो रहा है, उसका कोई भी एस्पेक्ट अब नहीं रहता, या उसके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है कि वो इनफ है कि उसको मेन आइडिया को सपोर्ट करें,
ठीक है। तो इस तरह जो टॉपिक डेवलपमेंट के हिसाब से, उसकी स्पोर्ट के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप अपनी आउटलाइन को चेक कर लें, एवेल्युएट कर लें। अगर उसमें कुछ कमी बेशी है तो आप उसको ठीक करें और फिर उसके बाद उसका फाइनल ड्राफ्ट आप उसके मेन पेज पे उसको लिख दें।